जिसे आज जिसे मुस्तफ़ा का बुलावा आ जाए, अगर बैठे बैठे आपको बुलावा आ जाए, आई साहब आपको बुलावा आ जाए, आपको बुलावा आ जाए, तो आप तो चुप ही बैठे रहेंगे ना, फिर कड़ी गल हाँ? नहीं 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 जी नहीं, आप झूमेंगे, आप खुशियां मनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जिसे फकत रोजा देखने का बुलावा आ जाए वो झूमता फिरता है, जिसे रोजे वाला देखने को मिल जाए हाय हाय, वो दरख्त अपनी जगह से निकला और पिंडली के बल चलता हुआ हुजूर की बारगाह में पहुंचा और खड़े हो के आपकी तरह चुप नहीं रहा, आके कहता है सलाम अलैका या रसूलल्लाह, हुजूर आपको सलाम। मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया जा वापस पलट जा, जाके अपनी जगह पे लग जा। जब वो दरख्त वापस पहुंचा, अब उस अराबी ने जब देखा, इनकी तो ये शान है, वो तो देख के ही फिदा हो रहा था। उसने जब इतना कुछ देखा, पहले वो चेहरा देख चुका था, फिर वो हुजूर का आलम ने शराहला का सदरक वाला सीना देख चुका था। चलें अगले जुमे इंशाल्लाह हुजूर के आलम ने शराहला का सदरक के ऊपर गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। सदरक सदरक इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले जुमे गुफ्तगू करें। चलो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब उसने देखा इनकी तो ये शान है, तो उसने एक जुमला कहा जिसके लिए मैंने ये बात शुरू की है। उसने कहा हुजूर आपकी इतनी शान है, आका मैं आपको सजदा ना करूं, मेरा जी चाहता है कि मैं आपको सजदा करूं। मेरे आका ने फरमाया नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। बोलो सजदा सिर्फ, सारे बोलो ना, सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। अब उसका तो दिल हुजूर के कदमों में गिरा जा रहा था। उसने कहा हुजूर अगर अल्लाह के, मेरे आका ने फरमाया सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को, अगर अल्लाह के सिवा किसी को जायज़ होता तो वो औरत को होता कि वो अपने शोहर को करे, लेकिन फरमाया नहीं सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। अच्छा फिर कहा, उसने अर्ज़ किया आका अगर आप कहें तो मैं आपके हाथ पांव चूम लूँ। हाय हाय हाय, उसने हाथ चूमे कमली वाले सरकार के, फिर घुटने चूमता है, फिर पांव चूमता है। अब पांव चूमने के लिए कितना झुकना पड़ा वो आप जानो या वो एराबी जाने। मैंने इस बात सुनानी थी, मैंने सुना ली, जिसे लुत्फ आया सुभान अल्लाह कह दो यार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यार, जिंदा या गौसिया। अब जिंदा, अब उसने जिंदा सरकार की आमद मरहा, गज क्या खोजा मरहा, अकबर की आमद मरहा, हकीकी आमद मरहा, मंथार की आमद मरहा, अदनी की आमद मरहा। वाह वाह, आओ ये बात सुनने के बाद वही बात दोहराते हैं कि उसने कहा मैं तो छुपा हुआ खजाना था, अगर फिर मैंने चाहा कि कोई हो जो मेरे आगे झुके सजदे करे गिड़गिड़ाए आरजू करे सजदाए बंदगी अदा करे कोई हो, फिर उसने क्या किया, फिर उसने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर नबी आए, फिर बंदे आए, फिर सारे आए, एक एक करके सारे आए, फिर पिछला जुमा सारा गुजर गया। जब सारे नबी आते जा रहे थे, उन नबियों के साथ अल्लाह ने जब जलसा किया था तो उनसे कहा था जब मेरा नबी आएगा सुम्मा जा, फिर मेरा नबी आएगा, फिर आएगा तैयार रहना वो आएगा, जब वो आ जाए फिर तुमने उस पर ईमान भी लाना है। नहीं मज़ा आया सुभान अल्लाह का यार, तुमने उस पर ईमान भी लाना है। और फिर अगला लफ्ज़ क्या है, अगला लफ्ज़ ये है तर्जमे के अंदर, उसकी मदद भी करनी है। लेकिन जब कोई छोटा बड़े की करता है तो वो मदद नहीं होती, वो खिदमत होती है। वो क्या होती है, वो खिदमत होती है। कहा कि तुमने उसकी खिदमत करनी है,
अब सब नबियों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये वादा कर लिया, वहाँ ये वादा हो गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया चलो जलसा रखा था इसीलिए ताकि मेरे मुस्तफ़ा की शान सुनाई जा सके, दिखाई जा सके, वादे लिए जा सकें, आपस में एक दूसरे के सामने बैठ कर मेरे मुस्तफ़ा की शान पर यहाँ एक दूसरे के साथ बैठ कर मुझे वादा दो वो आएगा, उसकी मदद करोगे। सब ने कहा मौला करेंगे, कहा ईमान लाओगे, सब ने कहा मौला लाएंगे। अब अल्लाह ने फरमाया अब लाइनों के अंदर खड़े हो जाओ और एक दूसरे के ऊपर गवाह बन जाओ, एक दूसरे के ऊपर बोलिए गवाह बन जाओ। कुरान पढ़ रहा हूं जिसे कुरान से जिस कदर मोहब्बत है गज के बोलो सुभान अल्लाह यार जरा, कहा एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। मौला गवाह भी बन गए, मालिक जब तूने बुलाया जलसा रखा तूने ऐलान करना था तूने कर लिया कि मेरा रसूल आएगा, क्या जलसा खत्म हो गया? कहा नहीं नहीं अभी जलसा खत्म नहीं हुआ। मौला कब खत्म होगा? फरमाया पहले मुझे बताओ उसकी मदद करोगे? मौला करेंगे। फरमाया अर्ज की मौला जलसा खत्म हो गया? कहा नहीं नहीं अभी नहीं खत्म हुआ। कहा ईमान लाओगे? मौला लाएंगे। मालिक जलसा खत्म? कहा भी नहीं। अब फिर फरमा रहा है एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। मालिक हम गवाही भी दे रहे हैं एक दूसरे की, गवाह भी बन रहे हैं कि हमने वादा किया है। अब तो जलसा खत्म हो गया, आवाज कुदरत आती है अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, एक दूसरे पर गवाह तुम बन जाओ, तुम्हारे साथ मैं भी गवाह बन जाता हूं। अल्लाह अकबर कि मेरा रसूल आएगा, मेरा रसूल आएगा। बोलो ना मेरा रसूल खत्म नबूवत का ताज पहन कर आएगा, उसके बाद नबी, उसके बाद रसूल, उसके बाद पैगंबर कोई नहीं, वो आएगा खत्म नबूवत का ताज पहन कर आएगा। जिसके दौर में भी आए वो अपना कलमा छोड़कर मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ेगा। अपनी नबूवत ख़त्म, शरीयत ख़त्म। आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा जब अल्लाह फरमा रहा था मेरा रसूल आएगा, मेरा नबी आएगा, वो आएगा जिसका नाम अर्श पर आसमानों पर अहमद है, ज़मीन में मोहम्मद है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही वसल्लम, कहा जिसका नाम ज़मीन में मोहम्मद है अलैहिस्सलाम वो आएगा। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए जलसे दो किए थे, एक नहीं किया था। पहला जलसा किया अपनी तौहीद बयान करने के लिए, वो जलसा बयान जब हो गया मुझे मानो मैं कौन हूँ, तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने क्या कहा था? कालू भला मौला तू हमारा रब है। उस वक्त नहीं कहा गवाह बन जाओ, नहीं कहा एक दूसरे के गवाह बन जाओ। जब बारी आई अपने महबूब की फरमाया एक दूसरे के गवाह बन जाओ। जब सब एक दूसरे के गवाह बन गए ऐलान कुदरत हुआ, तुम भी गवाह हो गए हो मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हो गया हूँ। उन लैके आओ उन्होंने जड़ा अंदर शरीक हो गए, उन कितने जा सो तो कुरान पाक दी आयत, वो भी गवाह हैं, वो भी गवाह हैं। अब किधर जाएंगे? अब फतवा लगाने वाले किधर जाएंगे? आओ आला हजरत के कदमों में बैठो, तुम्हें पता चले रसूल का दीन कैसे पढ़ा जाता। पढ़ तो सारे लेते हैं, समझा नहीं जाता। एक वो था, एक नूर वो था, नूर था और उस वक्त फरमाया और कुछ नहीं था, सिर्फ वो था। कुंतु कंजन मख्फिया, सिर्फ छुपा हुआ खजाना। फिर चाहा कि कोई हो, कोई हो, मिलके बोलो कोई हो। मैं बड़ी बहुत बड़ी हदीस सुनाने लगा हूँ आपको, ईमान ताज़ा आपका हो जाएगा। कोई हो जो मेरे आगे झुके, कोई हो जो मेरे आगे रोए, मेरे आगे सजदे करे, ये सारी शान मेरी पढ़े सुने। और इस सब का मकसद क्या था? फिर वो सारा हज़रत आदम वाला मामला, फिर जनाब नूह वाला मामला, फिर वो सारा नक्शा बनाकर अपने महबूब को आखिर में भेज रहा है। हालांकि महबूब तो वो है, जब वो था उसके साथ दूसरा कौन था? अब हदीस से पूछते हैं मालिक सिर्फ तू था? कहा पहले मेरा नूर था, छुपा हुआ खजाना था, अब ये कहीं और से ना पूछना, किसी मौलवी से ना पूछना, अब जाओ सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, उनसे जाके पूछो और तब कौन था।
कोई और भी था। अब आओ, अब बात करते हैं अगली। अब हजरत आदम अलैहि सलाम से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, और तब कौन था, वो कौन पूछेगा, वो मदीने की मस्जिद होगी, गली होगी, मस्जिद नबवी होगी, सामने बैठने वाले सहाबी होंगे, और सामने मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा कमली वाले आका की ज़ात होगी, और सामने खड़े होने वाले हज़रत जाबिर की ज़ात होगी। हज़रत जाबिर सामने खड़े और क्या कहते हैं, अर्ज़ करते हैं, आका एक सवाल मेरे जहन में आता है, बार बार मेरे जहन में आता है, फिर सोचता हूँ पूछूँ, फिर ख्याल आता है कहीं आवाज़ ऊंची ना हो जाए, कहीं बारगाह रिसालत में बेअदबी ना हो जाए, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए। हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो वो सवाल आपसे पूछ लूँ। मेरे आका ने फरमाया है, जाबिर पूछना तेरा काम है, बताना मेरा काम है। जरा गज के बोलो सारे यार सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। ए जाबिर पूछ, पूछना तेरा काम, बताना मेरा काम। अब हजरत जाबिर ने वो सवाल जो किया है ना, वो सवाल सुने और फिर आपको पता चले कि मदीने वाले आका की शान क्या है। मुश्ताक साहब हजरत जाबिर सामने खड़े हो गए, हाथ बांधे हुए, सर झुकाए हुए, मुजस्सम नियाज हैं, सरापा सवाल हैं, सर झुका के सवाल करते हैं, आका मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को बनाया, क्योंकि सबसे पहले तो वो खुद था, उसके बाद उसने किसे बनाया। जाबिर, हजरत जाबिर को नहीं पता था कि हजरत आदम को बनाया था, फिर उनके जहन में आ गया होगा जाबिर, हजरत जाबिर के नहीं, चूंकि फरिश्ते भी मौजूद थे, नहीं आदम से पहले तो फरिश्ते भी थे, फिर किसे बनाया, चूंकि अर्श भी मौजूद था, लौह कलम भी मौजूद, सबसे पहले किस चीज़ को बनाया। अब हजरत जाबिर ने जब यह सवाल किया आका करीम की बारगाह में, आका बताइए अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को बनाया, अब मैं देखूंगा कौन कौन जाग रहा है मेरे साथ। खुदा की कसम मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता, मैं भी तो अभी आया हूँ। वो जो कहते हैं उनको दीवार पीछे का पता नहीं, हाँ उन्हें दीवार पीछे का माज़ अल्लाह खाकम बदहन पता नहीं। लोगों याद रखना, जाबिर का पूछना इस बात की दलील थी कि तू और मैं बेखबर हो सकते हैं, आमिना कलाल बेखबर नहीं हो सकता। कहा का बताएं उस वक्त।